हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम फटे हुए दूध और 6 से 7 काजू से बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट, बिल्कुल हलवाई स्टाइल बाजार में मिलने वाली महंगी रेसिपी बनाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम लेंगे ग्राइंडिंग जार और अब हम इसमें डालेंगे 6 से 7 काजू। और अब हम इसमें लेंगे 2 इलायची। यहाँ मैंने 2 इलायची के फ्लेवर के लिए बीज को निकाल लिया है और अब हम इसमें सिर्फ बीज डालेंगे। और अब हम इसमें 4 चम्मच चीनी ऐड करेंगे। यहाँ मैंने चीनी का यूज़ किया है, आप चाहें तो मिश्री का भी यूज़ कर सकते हैं और आप अपने हिसाब से मीठा या कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और अब हम जार का ढक्कन लगा करके इसे अच्छी तरीके से बिल्कुल बारीक ग्राइंड कर लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसका बहुत ही बढ़िया पाउडर बना के तैयार कर लिया है। और अब हम इसे एक कटोरी या बाउल में निकाल लेंगे और सेम ग्राइंडिंग जार में घर का बना फ्रेश छेना डालेंगे। यहाँ मैंने छेने का यूज़ किया है, आप चाहे तो इसकी जगह पनीर का भी यूज़ कर सकते हैं। और छेना डालकर जार का ढक्कन लगाकर हम इसे भी अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। और आप देख सकते हैं इसका बहुत ही गाढ़ा और थिक पेस्ट बन के तैयार हो गया है। और अब हम एक पैन लेंगे और स्पैचुला से ग्राइंड किए हुए छेना को स्पैचुला से हम अच्छे से पैन में निकाल लेंगे। और अब हम इसमें ग्राइंड किए हुए शक्कर और काजू के पाउडर को डालेंगे। और अब हम इसमें 1/2 कटोरी या 1/2 कप मिल्क पाउडर डालेंगे। आप इसकी जगह डेरी वाइटनर मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम सभी इंग्रेडिएंट को स्पैचुला से ही अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और इसका एक बहुत ही बढ़िया थिक या गाढ़ा पेस्ट बना के तैयार कर लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने इसमें मिल्क या घी किसी भी इंग्रेडिएंट का यूज़ नहीं किया है और हमारा सारा मिक्सचर अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है और ये इसका बहुत ही बढ़िया गाढ़ा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। और हम इन सभी इंग्रेडिएंट को स्पैचुला से ही अच्छे से 1 मिनट के लिए चलाते हुए इसका एक बहुत ही बढ़िया और स्मूथ बैटर बना के तैयार कर लेंगे। और अब हम गैस का फ्लेम ऑन करेंगे और हाई फ्लेम पे 1 मिनट के लिए हम इसे पैन में अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे, जिससे पैन भी हमारा जल्दी गर्म होगा। और अब हम इसे स्पैचुला से कंटिन्यू चलाते रहेंगे, जिससे पैन में नीचे तले में लगेगा नहीं। और आप देख सकते हैं पैन में इसे पकाते हुए 1 मिनट हो गया है। गैस का फ्लेम स्लो या मीडियम कर देंगे और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे। और ये देखिए हमारा पेस्ट बहुत ही जल्दी गाढ़ा और थिक हो करके तैयार हो गया है। और अगर आपका पैन में ये चिपके तो आप इसमें घी का यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसमें 1 चम्मच केसर वाला दूध डालेंगे। यहाँ मैंने 4 से 5 धागे केसर के डालकर इसे दूध में अच्छे से 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था और इसका बहुत ही बढ़िया कलर आ गया है। और अब हम इसे अच्छे से बैटर में डालकर अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे, जिससे बैटर में बहुत ही बढ़िया कलर आएगा। और आप देख सकते हैं बैटर हमारा बिल्कुल मावा की तरह बन के तैयार हो गया है। हम इसे कंटिन्यू 1 मिनट के लिए और मीडियम फ्लेम पे इसी तरीके से चलाते हुए पका लेंगे, जिससे ये और अच्छी तरीके से गाढ़ा हो जाएगा। और अब हम इसमें फ्लेवर के लिए केवड़ा वाटर डालेंगे। हम इसमें 1 से 2 बूंद केवड़ा वाटर डालेंगे। आप चाहे तो केवड़ा वाटर की जगह रोज वाटर या फिर वनीला एसेंस का भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी इसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आएगा। और अब हम केवड़ा वाटर डालकर इसे फिर से अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और बैटर को हम और थोड़ा सा गाढ़ा या थिक होने तक हम इसे पैन में इसी तरीके से अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे। और आप देख सकते हैं बैटर का बहुत ही बढ़िया केसरी कलर आ गया है। और हम इसे इसी तरीके से अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, तो ये और अच्छा गाढ़ा और थिक पेस्ट बन के तैयार हो जाएगा। और आप देख सकते हैं मावा हमारा बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो गया है और ये पैन भी छोड़ रहा है। हम इसे इस टाइम पे गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और अब हम इसे पैन के हीट में ही अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे, जिससे इस पैन में ये जलेगा नहीं और मावा हमारा बहुत ही बढ़िया और जल्दी ठंडा भी होगा। और अब हम इसे और भी स्वादिष्ट और फ्लेवरफुल बनाने के लिए
इसमें बारीक कटे हुए आलमंड और पिस्ता डालेंगे। आप चाहे तो इसे अपने पसंद के भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसे मावे में अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। और आप चाहे तो इसे जल्दी ठंडा करने के लिए इस मिक्सचर को प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे या निकाल लेंगे। और आप देख सकते हैं मावा हमारा अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है। और आप देख सकते हैं यहाँ मैं इसे इजीली हाथों में ले रही हूँ। आप चाहें तो इस रेसिपी को बनाने के लिए घी का भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम थोड़ा सा मावा का मिक्सचर लेंगे और इसे और मोदक बनाने वाला मोल्ड लेंगे। और अब हम इसमें अच्छी तरीके से मावा वाला फिलिंग भरेंगे और मोल्ड में हम अच्छे से फिलिंग को दबा दबा के भरेंगे, जिससे फिलिंग अच्छे से अंदर तक जाएगा और मोदक का बहुत ही बढ़िया और परफेक्ट शेप आएगा। और आप देख सकते हैं हमारा बिल्कुल परफेक्ट मावा और रसमलाई मोदक बनके तैयार हो गया है। और अब हम इसके ऊपर कटे हुए पिस्ता डालेंगे और आप चाहें तो मोल्ड में भी पिस्ता डाल करके इसे मावा डाल करके इसे अच्छे से मोदक का शेप दे सकते हैं। और इस तरीके से हम मोदक बना लेंगे। और अगर आपके पास मोदक मोल्ड नहीं है तो आप इस डो के मिक्सचर ले और इस तरीके से हाथों में हम इसे रोल करते हुए इसका मलाई या रसमलाई लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। और अब हम इसके ऊपर भी कटे हुए पिस्ता के कतरन लगाएंगे और आप देख सकते हैं हमारा रसमलाई लड्डू और रसमलाई मोदक बनके तैयार हो गया है। तो आपको जो इजी लगे आप सेम तरीके से बहुत ही ईजिली घर पर ही रसमलाई लड्डू या रसमलाई मोदक बना करके तैयार कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ मैंने बिना घी दूध चाशनी के मिनटों में रसमलाई मोदक बना करके तैयार कर लिया है। इस तरीके से आप घर पे बना करके गणेश जी को चढ़ाएं और खुद भी खाएं और सभी को खिलाएं। घर में बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको मोदक नहीं बनाना है तो आप इस तरीके से रसमलाई लड्डू भी बना सकते हैं। ये भी बहुत ही ईजिली और इंस्टेंट बन के तैयार हो जाता है। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी और हेल्पफुल लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करते। मिलती हूँ मैं आप सभी के साथ एक और नई रेसिपी में।